हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप। वेलकम टू सीएपीएफ पाथफाइंडर्स यूट्यूब चैनल। सीएपीएफ पाथफाइंडर्स एक स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल है जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसमें मैं आपको सीएपीएफ के प्रिपरेशन के अलग अलग जो एंगल्स है, जो स्ट्रेटजीज है, इसके बारे में गाइड करता रहता हूँ। मैं अभी फिलहाल पाथफाइंडर्स अकेडमी पुणे का डायरेक्टर हूँ और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ट एजुकेटर भी हो। सो लेट मी स्टार्ट विद द टुडे सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट सीएपीएफ एसी की स्ट्रेटेजी है, इंक्लूडिंग फिजिकल, मेडिकल। मैक्सिमम लोगों का जो डाउट रहता है, फिजिकल में सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेडिकल में मेरा ये डाउट है, ये जो डाउट भी आज क्लियर करेंगे और एलिजिबिलिटी ये भी क्लियर करेंगे और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटेजी की भी हम लोग इसी में एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीटी, मेडिकल, फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन का स्ट्रैटेजी, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, जो कि यूपीसी द्वारा लिया जाने वाला एग्जामिनेशन है, क्लास 1 गैजेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट कमांडेंट इन एलिट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए जो एग्जामिनेशन है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ में इसी हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स है ये 90 डेज का, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बारे में भी हम लोग इसी में बात करेंगे। ये लाइव कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है। जैसे कि आप और मैं, हम लोग सभी जगह पे कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक चल रहा है उसके चलते लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन नहीं करना इज सुसाइडल। अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो सुसाइडल है, और चांसेस नहीं है हर बार। ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए। जैसे कि आप जानते हो कि यूपीसी कभी भी, यूपीसी ने अभी बोला है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी 1 महीने के नोटिस पे ले सकते हैं। हमारा तो 1 डे एग्जामिनेशन है, तो 1 दिन लाना यूपीसी के लिए कोई भी बड़ा बात नहीं है। JEE एग्जामिनेशन के डेट्स भी डिक्लेयर हो गए हैं, 12th के एग्जामिनेशन के डेट्स भी डिक्लेयर हो गए हैं, कॉलेज ओपन करने के डेट्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं। तो ऐसा एज्यूम करना गलत रहेगा कि यूपीसी एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर देगा, और अगर पोस्टपोन होता भी है तो एग्जामिनेशन 1 आध महीना पोस्टपोन हो जाएगा, उससे ज़्यादा एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने का चांस नहीं है। सो एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के चक्कर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको बैठने दो। उनके चलते वो जो 90% लोग हैं उनके पास ना बुक है ना कोई सोर्सेस है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सो कॉम्पिटिशन आपका 1/3 लेवल, 1/10 लेवल का कॉम्पिटिशन है। सीरियस कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है, लोग सीरियस नहीं है, लोग सोचते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। और लेकिन अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी होता है तो भी जो अभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करेगा वही कंपटीशन में टिकेगा। सो अगर आप अपना असिस्टेंट कमांडर बनने का सपना पूरा करना चाहते हो, आज के ये सेशन में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि कैसे अगले 90 दिनों में आप प्रिपरेशन करके भी आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इवन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आप असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर भी सकते हो और एग्जाम क्रैक की भी कर सकते हो, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ही कम है। आप घर पे बैठे बैठे पढ़ के भी प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन ये क्रैक कर सकते हो, और ये आपने एग्जामिनेशन इस बार डेडिकेटेडली करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। इस बार कट ऑफ कम आने वाला है तो आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपका प्रिपरेशन अच्छा रखे, क्लैरिटी रखे। सो दिस इज मी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का बुक है। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप। आई एम फ्रॉम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ग्रुप ए, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, एक CISF ऑफ कोर्स। आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू यूपीसी सीएपीएफ 2012 एग्जामिनेशन। आई हैव रिटन 3 बुक्स फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन फॉर मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन, बेस्ट सेलर बुक्स है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द पाथफाइंडर्स अकेडमी फॉर सीएपीएफ पुणे एंड दिल्ली। 109 सिलेक्शन पहले वाले थे 2018 में, मेरे अकेडमी से मेरे स्टूडेंट में से 109 लोग सिलेक्ट हो चुके थे पहले वाले लिस्ट में, और रिजर्व लिस्ट में और 12 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो टोटल टैली अभी हम लोग का हो गया है 121 सिलेक्शन इन यूपीसी सीएपीएफ 2018 एग्जामिनेशन। एवरी 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 सिलेक्टेड कैंडिडेट इज माई स्टूडेंट। माई बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज MBBS एंड MS साइकोलॉजी। आई प्रीवियसली ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड एट फ्यू अदर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। आई प्रीवियसली वर्कड एज मेडिकल ऑफिसर, ग्रुप ए, क्लास 1 गैजेटेड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल महाराष्ट्र। आई ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र इन कोल्हापुर।
in forensic medicine and toxicology department. So assistant commandant was my third gazetted job. I joined it for the passion. I wanted to serve my motherland. I wanted to do a job and learn the requisite skills. एज अ डॉक्टर मैं आर्मी में भी जा सकता था, लेकिन मुझे ग्राउंड ड्यूटी में जो टेक्निकल स्किल्स है ये मुझे सीखना था, टैक्टिक्स सीखना था, वेपन सीखने थे, इसीलिए मैंने जनरल ड्यूटी में ज्वाइन किया. एंड इवेंचुअली आई एम गोइंग टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी नाउ. ये असिस्टेंट कमांडेंट का एक लाइफ रहता है. ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का बुक है, ये अपडेटेड बुक है, नया बुक अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा. दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ द बुक. इसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर वन के सभी बुक्स सॉल्व है और उसके साथ साथ 5 मॉक टेस्ट भी है. ये इसका पहला एडिशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का. ये टॉपिक वाइज बुक है. ये पेपर टू का बुक है, ये स्पेशलिस्ट बुक है, ये इकलौता बुक है जो पेपर टू के लिए कहीं पे भी अवेलेबल है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर पेपर टू ऑफ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन. एंड दिस बुक इज फॉर पेपर वन, जिसमें एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा. ये तीनों बुक्स मैंने मैग्रो हिल पब्लिकेशन के लिखे हैं. दिस इज माई फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड मिला है इस बार 2020 में रिपब्लिक डे परेड पर. ये मैं जब ड्यूटी पे था तो कुछ झलके, माई फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड इन माई यूनिट. My first day in my unit, my unit commander was introducing me to other people from the unit. Central Armed Police Forces, जैसे कि आप जानते हो, BSF, ITBP, SSB, CISF, CRPF, NSG, SPG, सब कुछ करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो लगता है बॉर्डर गार्डिंग के लिए लगता है टफेस्ट टेरेन में. और उसके साथ साथ उनको एलिट लाइफ भी मिलता है और बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है. हर एक असिस्टेंट कमांडेंट को गाड़ी मिलेगी, हर एक असिस्टेंट कमांडेंट को क्वार्टर्स मिलेंगे, आपको सर्वेंट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बत्ती वाला गाड़ी मिलेगा, जो कि रेयरली, इवन देर आर फ्यू फैसिलिटीज विच आर नॉट अवेलेबल विद इवन विद आर्मी मैन. आर्मी में भी जो कमीशन ऑफिसर है उनको इवन लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल पे जाने के बाद भी गाड़ी नहीं मिलता है. यहाँ पे हर एक असिस्टेंट कमांडेंट को गाड़ी मिलेगा. आपके प्रमोशंस के एवेन्यू अभी बहुत ही अच्छे हो गए हैं. OGAS मिल गया है, ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विसेज स्टेटस मिल गया है, जो आपको IPS के इक्विवेलेंट बना देता है, IAS और IPS के. इसके साथ साथ नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी गवर्नमेंट ने दे दिया है. इसका मतलब है अभी IG लेवल तक फिलहाल डेप्यूटेशन पे IPS को आने के लिए मना कर दिया है. हाई कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया था IG लेवल तक IPS को आने के लिए मना कर दिया है. मतलब असिस्टेंट कमांडेंट, अंडरस्टैंड इट, IG इज इक्वल टू मेजर जनरल, असिस्टेंट कमांडेंट IG लेवल तक आराम से पहुंच जाता है और ADG लेवल तक अब तक बहुत बार पहुंच चुके हैं CISF, CRPF, BSF, ITBP में. ADG हु इज इक्वल टू डायरेक्टर जनरल. एंड इवेंचुअली इन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, जब तक आप जाओगे, आप DG लेवल तक भी पहुंच जाओगे अगर आपके पास सीनियरिटी है तो. सो यू कैन बिकम द हेड ऑफ द फोर्स इवेंचुअली. डेप्यूटेशन में आप IB में जा सकते हो, रॉ में, CBI में, NI में, MA, NCB में, UN पीस कीपिंग फोर्सेस में, स्पेशल फोर्सेस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नीति आयोग, MHA, बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज भी है. CAPF के रैंक आपने देखा तो इनको खाकी वर्दी मिलता है बिकॉज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इसके साथ साथ इनको आर्मी की तरह कैमोफ्लैज भी मिलता है. असिस्टेंट कमांडेंट इज अ गैजेटेड ऑफिसर, इट इज अ गैजेटेड एंड कमीशन ऑफिसर. इसको देखोगे, इसको ब्लू रेड रिबिन नहीं मिलता, ये नॉन कमीशन ऑफिसर है. इनको SOs बोला जाता है CAPF में, सब ऑफिसर्स, और इनको अदर रैंक्स बोला जाता है जवान और हवलदार लेवल तक. और इसके ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स बोला जाता है. सुपरवाइजरी ऑफिसर को अगर डायरेक्टली अपॉइंटेड है, DAGOs भी बोला जाता है, डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर बोला जाता है. यहाँ पे हायर लेवल का लीडरशिप स्टार्ट होता है. CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में आप जानते हो. ये एग्जाम 3 फेजेस में लिया जाएगा. पहली फेज है रिटर्न एग्जामिनेशन. रिटर्न एग्जामिनेशन एक वन डे एग्जामिनेशन है जिसमें दो पेपर रहते हैं. पेपर वन आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ये 250 मार्क्स का पेपर है. ये पेपर वन MCQ पैटर्न के ऊपर रहता है पेपर, और इसमें 125 क्वेश्चंस रहते हैं, दो मार्क का एक है, और ये 120 मार्क का, 250 मार्क्स का पेपर है. ये 120 मिनट मतलब दो घंटे चलता है. सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये पेपर चलता है. और सेम डे पे आपका पेपर टू भी कंडक्ट किया जाएगा, जो जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है. ये 200 मार्क का पेपर है, ये 3 घंटे का पेपर है.
ये दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। मतलब ये एग्जामिनेशन का जो सबसे बड़ा हर्डल है, एक ही दिन में कवर हो जाता है। इसीलिए अगर आप CDS भी साथ में कर रहे हो, FCAT भी कर रहे हो, या SSC कर रहे हो, या कोई भी कर रहे हो, आप ये सभी एग्जामिनेशन एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। और CAPF करने से CDS, FCAT, SSC का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि एक वन डे एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद इसमें कोई मेंस और अलग बाकी चीज़ें नहीं है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना। इमिजिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, यू कैन शिफ्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ अदर एग्जामिनेशंस। ये एग्जामिनेशन इस साल 2020 में आपका शेड्यूल था 9 अगस्त को, लेकिन 20 मई तक अभी UPSC कुछ बता नहीं पाएगा। 20 मई के बाद आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन कब आने वाला है। लेकिन एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पोस्टपोन भी नहीं होगा, सो ऐसा समझ के चलिए आपके हाथ में लगभग 3 महीने हैं ये एग्जामिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। पेपर वन जो है आपका, जो सुबह 10 बजे से 12 बजे चलता है, उसका नाम है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ये MCQ पैटर्न वाला पेपर है, 250 मार्क का पेपर है। और पेपर टू आपका है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। आपका पेपर टू है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 200 मार्क्स का पेपर है। और ये जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये इंग्लिश का पेपर नहीं है जैसे कि आप पॉपुलरली बोलते हो, ना ही ये मेंस का पेपर है और ये प्री का पेपर है। यहाँ पे प्री मेंस ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम डे एग्जामिनेशन होता है। और ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, इसलिए आपको इससे डरने का जरूरत नहीं है। ये है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए इसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन भी लगेगा। पेपर वन में जो पैटर्न आता है, जो 250 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 125 क्वेश्चन 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3, 2 मार्क का है, इसलिए 0.67 मार्क्स माइनस हो जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। दिस पेपर इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ मल्टीपल चॉइसेस। इसमें जो एरियाज है डिवाइडेड पेपर वन के, वो मैं बताऊंगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चंस आर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग। ये मैथ्स नहीं है, अंडरस्टैंड इट, दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के थोड़े क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं 20 to 25 ऑन एन एवरेज। एक्सपेक्टेशन मेरा आपसे है 8 से 10 क्वेश्चन ईजी लेवल के रहते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस से 8 से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक इस्तेमाल कर सकते हो। मैग्रो हिल पब्लिकेशन का बुक ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई एरर्स नहीं है। RS अग्रवाल एज सच पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा है तो आप रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आप YouTube पे कहीं पे भी वीडियोस देख के आप अपना जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे कि रिलेशंस है, ब्लड रिलेशंस है, असर्शन रीजनिंग है, ये कहीं पे भी YouTube वीडियोस, स्पेसिफिक वीडियोस देख के आप इसको क्लियर कर सकते हो। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल साइंस। अंडरस्टैंड दिस, दिस इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस CDS में पूछा जाता है, FCAT में पूछा जाता है और SSC में पूछा जाता है, लेकिन UPSC, CSC में, सिविल सर्विसेज में, एग्जामिनेशन में जनरल साइंस नहीं पूछा जाता। सो आप ऐसा समझोगे कि मैं UPSC, CSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे आएगा? नहीं आएगा। इसके लिए आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है। उसमें से भी बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसके लिए अगर आपको कोई बुक पढ़ना है, इसमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हो, सभी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप 8वीं से 10वीं NCERT पढ़ सकते हो, ये आपका चॉइस है, या फिर अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, ये आपका दूसरा चॉइस है, या फिर 11वीं 12वीं के NCERT पढ़ने का ज़रूरत नहीं है सिलेक्टिवली, या फिर ल्यूसेंट जनरल साइंस आप पढ़ सकते हो, ये आपका तीसरा चॉइस है, या फिर सचिन भस्के नाम का एक बुक है वो आप पढ़ सकते हो, ये आपका चौथा चॉइस है, या फिर दृष्टि पब्लिकेशन का एक काफी अच्छा बुक आता है जनरल साइंस का, ये हिंदी मीडियम में भी आता है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसमें से कोई भी एनी वन चॉइस
आप फॉलो करो, बहुत ज़्यादा मत करो, लेकिन इसको रिवीजन बहुत अच्छे से करो, और इसके क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियसली वो पक्का देखो, वही आपको एग्जैक्टली मदद करेंगे। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं 25 to 30, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग इसका वेटेज 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, 1/5 वेटेज ये अकेले सेक्शन का है, और इसमें से लगभग 15 क्वेश्चंस काफ़ी आसान रहते हैं। आसानी से इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड यू कैन प्रिपेयर 15 क्वेश्चंस इजीली, बहुत ही आसानी से 15 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। फिर इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चंस है, इसमें बहुत आपको ज़्यादा डाउट नहीं रहता, जानता हूँ मैं। इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं अराउंड 20, आपको इसमें से एक्सपेक्टेड है 15 से 18 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसमें ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल और एक्यूरेसी इसमें बहुत ही अच्छा रहता है। इसके लिए बुक पढ़ने के लिए आप NCERT 11th स्टैंडर्ड का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ सकते हो, या फिर इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत भी आप पढ़ सकते हो। ये बुक पढ़ना ज़रूरी है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इकोनॉमिक्स के ऊपर 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं, ये 5 to 7 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 11th का और 12th के NCERTs, 12th के NCERTs में मैक्रो और माइक्रो है, वो भी पूरे नहीं पढ़े तो भी चलेगा, उसके यूट्यूब वीडियोस देखो, आपको ये इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा। 11th का NCERT है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको पेपर 2 के लिए भी काम आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आप जैसे जानते हो तो हिस्ट्री के लिए एंशियंट मिडीवल के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, या एनी नोट्स, कोई भी एक बुक या कोई भी नोट्स, दोनों के लिए पढ़ा तो भी चलेगा। ये दोनों पार्ट ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से भी मॉडर्न के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा, 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न के हैं। एंशियंट मिडीवल प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मॉडर्न के लिए आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, राजीव अय्यर सर का स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो, या फिर एनी जो भी आपको अच्छा बुक लगे। और उसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, जो NCERT है नया वाला 12th स्टैंडर्ड का, वो वाला NCERT एक बार मॉडर्न के लिए तो एटलीस्ट पढ़ो। और एंशियंट मिडिवल के लिए ल्यूसेंट जी के, मनोहर पांडे, किसी से भी आपने या जिससे भी पढ़ा है उससे पढ़ा तो भी चलेगा। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल और बहुत ही सिंपल सेक्शन है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जनरली अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन ईजी रहते हैं, जो आप भी सॉल्व कर सकते हैं विथ गुड रिवीजन। इसके लिए बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, 11th का NCERT फिजिकल ज्योग्राफी, 11th का NCERT इंडिया फिजिकल, 12th का NCERT इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और 12th का और एक NCERT है ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो एक NCERT, मतलब ये 4 NCERT के ऊपर आप ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी कवर कर सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप जीसी लियोंग इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो जीसी लियोंग आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास ये NCERT पढ़ने के लिए भी समय नहीं है तो बहुत अच्छा एक बुक है, महेश कुमार बर्नवाल, इनका NCERT बेस्ड ज्योग्राफी का बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप ये एक बुक के ऊपर रिलाय रह सकते हो। इसके साथ साथ एक आपको एक अच्छा एटलास हमेशा देखना पड़ेगा, जिससे आपका ज्योग्राफी अच्छे से याद रहने में मदद हो जाएगा। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब ये करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज की तरह नहीं है, इसका करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग है। हमारे क्वेश्चन जो ज़्यादा आते हैं ना SSC की तरह है, या फिर AFCAT की तरह है, या फिर CDS की तरह है। यहाँ पे पूछा जाता है पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनालिटीज, अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सो ऐसे वाले करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। इसलिए सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स आप पेपर 1 के लिए पढ़ने वाले हो वो यूजलेस हो जाएगा। इसके लिए करंट अफेयर्स के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, ये करंट अफेयर्स के नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे जून एंड में पाथफाइंडर्स एकेडमी पुणे.com,
यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड में अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे क्लास के सभी नोट्स आपको पाथफाइंडर्स एकेडमी पुणे .com के ऊपर डाउनलोड सेक्शंस में ऑलरेडी अवेलेबल है। डाउनलोड सेक्शंस में आप जाके प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस बुक्स वगैरह इसमें से लेके डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ये यहाँ पे ऑलरेडी पाथफाइंडर्स एकेडमी पुणे .com के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। पेपर टू, जैसे कि आप जानते हो पेपर टू का जो सिलेबस है, पेपर टू इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। मतलब पेपर टू में आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। इसका नाम यूपीसी ने दिया है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये यूपीसी ने इंग्लिश नहीं बोला। सो इसको इंग्लिश मत एज्यूम करो। इसीलिए इसका डेडिकेटेड प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है और इसको समझना बहुत मैटर करता है। अदरवाइज 90% लोग ये पेपर में फेल हो जाते हैं। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए 50, 200 में से आपको 50 मार्क्स मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। 90% लोगों को 50 मार्क्स भी नहीं आते क्योंकि ये पेपर का नेचर ही वो समझ नहीं पाते। जबकि 80+ मार्क्स लाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 80+ मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया 121 स्टूडेंट्स मेरे लास्ट ईयर सिलेक्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 3। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर टू के भी बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे स्टूडेंट्स के। सो 121 सिलेक्शंस है। तो आपको अगर सिलेक्शन लिस्ट में आना है, आपको पेपर टू अच्छा करना ही पड़ेगा और आपको पेपर टू में 80+ मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पेपर मतलब एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। और 80+ मार्क्स लाना ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो 80+ मार्क्स लाना इजी है। मैं अन अकेडमी पे ऑनलाइन अभी पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ पेपर टू के लिए 5000+ पेड लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है सिर्फ पेपर टू के लिए। तो ये जो पेपर है, इसका टाइम जो अलॉटेड है 3 घंटे है, 180 मिनट्स इसका टाइम अलॉटेड है। 9th अगस्त को शेड्यूल्ड है, 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। इसमें जो निबंध वाला कंपोनेंट है, ये आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओनली ऐसे कंपोनेंट यू कैन राइट इन ईदर हिंदी और इंग्लिश। कोई भी रीजनल लैंग्वेज अलाउड नहीं है। कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप बोलोगे तेलुगु में लिखता हो, आप बोलोगे कन्नड़ा में लिखता हो, आप बोलोगे नहीं मैं तो मैथिली में लिखूंगा या बंगाली में लिखूंगा, कोई भी रीजनल मीडियम अलाउड नहीं है। आपको ये निबंध जो है इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखना पड़ता है। निबंध ये वाला जो कंपोनेंट है, ये आपका 80 मार्क का कंपोनेंट है। पेपर टू में कोई भी नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी लोग फेल हो जाते हैं, पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ऑन एन एवरेज पेपर टू का अटेम्प्ट मैं आपको बता रहा हूँ 150 के आसपास चलता है आउट ऑफ 200। लोग ऑलरेडी अपने आप को कंपटीशन से बाहर निकल रहे इतना कम अटेम्प्ट करके। आपको पेपर टू 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। लास्ट ईयर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है करने से कि पेपर टू में 80 मार्क्स मिनिमम आ जाएंगे और पेपर टू पूरा का पूरा अटेम्प्ट उनको करना आता है। उनको पेपर पहले से ही पता रहता है प्रैक्टिस की वजह से जो क्लास में हो जाता है। इसके जो टॉपिक्स है ये भी यूपीसी ने दिए हैं, ये आप समझते नहीं हो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ये यूपीसी ने ऑलरेडी दिया है। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिलेटेड नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन राइट्स इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिटिकल एबिलिटी मतलब करंट इश्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये पेपर ऐसा है, अंडरस्टैंड इट, पेपर टू इज लाइक यू ऑलरेडी नो द पेपर। आप मेरे साथ रहोगे, चैनल फॉलो करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। आपको तो पेपर पहले से ही पता है, सिर्फ लिखना बाकी है। लास्ट ईयर भी जितने आर्ग्यूमेंट्स, एसेज, रिपोर्ट्स वगैरह आए थे, 4 एसे हम लोग ने जो क्लास में डिस्कस किए थे उसी के ऊपर आए थे। पेपर टू इज वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। पेपर टू का जो दूसरा कंपोनेंट है, जो 120 मार्क का कंपोनेंट है, ये आपको कंपल्सरीली इंग्लिश में ही सॉल्व करना पड़ता है। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन है, अनसीन पैसेज है वो सॉल्व करना है, प्रेसी राइटिंग है और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करना है और सिंपल ग्रामर। इसका जो इंग्लिश ग्रामर जो कॉम्पोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स का है। सो सिर्फ ग्रामर करने से आपको मार्क्स नहीं आने वाले। पेपर टू में आपको करना पड़ेगा जनरल स्टडीज। इसकी बुक लिस्ट में अभी आपको बताता हूँ।
इसकी बुक लिस्ट के लिए अगर आपके पास समय है तो डेली 1 से 2 घंटे, डेली 2 घंटे निकाल के ये बुक लिस्ट खत्म कर दो। ये बुक लिस्ट आपको बहुत पेपर टू के लिए मदद करेगा। पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी 11 का अगर आपको बुक लिस्ट पढ़ना नहीं है, इससे रिलेटेड कहीं पे भी यूट्यूब वीडियो देखो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी जगह पे ये सभी इसके ऊपर वीडियोस है, 2-3 वीडियोस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एनसीईआरटी 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारा हिस्ट्री 1947 में खत्म हो गया और हमारे सारे क्वेश्चंस 1947 के बाद के आते हैं। एक्सक्यूज मी, सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी जो 12th के हैं, इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज, सोशल इश्यूज के क्वेश्चंस एड्रेस करने के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी का बुक है बाय अशोक कुमार सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिससे इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड एसेज आप एड्रेस कर सकते हो। फिर 11th का एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने बताया था पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ये बुक आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसे सॉल्व करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स एनी मंथली मैगजीन विल डू कोई भी, लेकिन ये इश्यूज करने हैं, अंडरस्टैंड इट, आपको क्या करने हैं, इश्यूज करने हैं। और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल चाहिए। सो इश्यूज आप कहीं से भी पढ़ो, आईएएस बाबा पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो, पाथफाइंडर्स अकेडमी pune.com पे डाउनलोड्स में ऑलरेडी नोट्स है करंट अफेयर्स के, पाथफाइंडर्स के नोट्स पढ़ सकते हो या फिर विजन आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हो। इसमें आपको लेकिन क्लैरिटी रहना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें आपने अवॉइड करना चाहिए। पेपर 2 का जो पेपर का फॉर्मेट है, टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 ऐसे लिखो 6 में से, राइट एनी 4 एसेज आउट ऑफ 6 इन अबाउट 300 वर्ड्स। 3 पेजेस दिए रहेंगे, 3 पेजेस में एक ऐसे लिखना है, 4 एसेज आपको लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन रहता है हिंदी या इंग्लिश का। बाकी पेपर में दूसरा वाला क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, ये 3 पेजेस का एक आर्ग्यूमेंट रहता है, ऐसे वाले 2 आर्ग्यूमेंट्स दोनों कंपलसरी है, 20-20 मार्क का है। तीसरा वाला है आपको रिपोर्ट लिखने हैं, 2 रिपोर्ट लिखने हैं 200 वर्ड्स के, मतलब 2 पेजेस का एक रिपोर्ट लिखना है और ऐसे वाले आपको 2 रिपोर्ट लिखने हैं। और उसके बाद है प्रेसी, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, आपको वो छोटा करके श्रिंक करके प्रेसी लिखना है, 1/3 करके लिखना है। ये है 15 मार्क का। इसके लिए आपको एक टेबल दिया रहेगा, वो टेबल बॉक्स बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। और उसके बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक आपको अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसके आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको आंसर करना है। उसके लिए क्वेश्चन के नीचे ही जगह दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट QAB मिलता है और क्वेश्चन पेपर भी मिलता है। ये क्वेश्चन पेपर आप घर लेके जा सकते हो, ये वहां पे सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको आंसर लिखने के लिए जगह दिया रहता है, उसमें क्वेश्चंस भी है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट ग्रामर, बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं पूछते। रीराइट एज डायरेक्टेड, यूज वर्ड इन टू सेंटेंसेस, वोकेबलरी की तरह है, एंड करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, एरर फाइंड आउट करो और करेक्ट करो। क्वेश्चन पेपर में जो ऐसे पूछे गए थे, अंडरस्टैंड इट 2017 में जो ऐसे पूछे गए थे, नीड फॉर कॉमन सिविल कोड वो न्यूज में था, कैशलेस ट्रांजेक्शन, मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, न्यूज में था, इंडिया वर्सेस चाइना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ ईस्ट एशिया, न्यूज में था, थिंग्स दैट काउंट एज बींग सिविलाइज, मॉब लिंचिंग हो रहा था, न्यूज में था, क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग रिवर्स इन इंडिया, न्यूज में था, नमामि गंगे वगैरह प्रोजेक्ट चल रहे थे, रिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूज में था। ये पूरा का पूरा पेपर प्रेडिक्टेबल था, एक्सपेक्टेड लाइन पे ही आया है। 2019 का लास्ट ईयर का पेपर, द अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, ये न्यूज में था। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप्स, न्यूज में चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। सस्टेनेबल फार्मिंग, फार्मिंग के ऊपर 2 बार लगातार 2018 में भी क्वेश्चन आया था, ये भी न्यूज में था। यहाँ पे फार्म लोन्स वेवर्स दिए थे उसके लिए। द रोल ऑफ इंडियन आर्मी न्यूज में था। कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, न्यूज में था बहुत। एंड ऑनलाइन गेमिंग, आप पबजी खेल रहे हो, इसके लिए न्यूज में था। ये भी क्वेश्चन पेपर पूरा प्रेडिक्टेबल था। जो आर्ग्यूमेंट रहते हैं वो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड रहते हैं, बहुत ही आसान रहते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन, इसके बारे में जो पेपर 2 है, इसके लिए मैंने एक फ्री वाला, यही आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ही मेरे जो रिसेंटली लास्ट ईयर जो लेक्चर लिए थे ऑनलाइन
क्लासेस कंडक्ट किए थे, ये मैंने आपके लिए फ्री कर दिए हैं। आप उसको भी देख के इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये सेशन में एंड में बताऊंगा कि आपको ये सेशन कैसे देख सकते हैं। इसके बाद जो रिपोर्ट्स आए थे एग्जामिनेशन में, राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज न्यूज़ में था, वाटर स्कार्सिटी लास्ट ईयर न्यूज़ में था, तो ये पूरा का पूरा पेपर प्रेडिक्टेबल रहता है, ठीक है। ये 2018 का पेपर है, ये भी सभी क्वेश्चंस न्यूज़ में थे। आप देखोगे सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगोट्री कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल न्यूज़ में था, फार्म लोन वेवर जैसे मैंने बताया था फार्मर्स इशू न्यूज़ में था, इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में है ये न्यूज़ में था, रिजर्वेशन न्यूज़ में चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट उस पर पार्लियामेंट बार बार डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए न्यूज़ में चल रहा था, प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा था न्यूज़ में था, प्राइवेसी इज एलिटिस्ट आइडिया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था न्यूज़ में था, नोट बैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था न्यूज़ में था, डाटा लीक फ्रॉम फेसबुक न्यूज़ में था, वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस यूपी में हुआ था न्यूज़ में था। सभी के सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से ही आते हैं, ठीक है। सो पेपर टू में मार्क्स लाने के लिए क्या चाहिए, जो पेपर टू ये मेरा सिखाने का एक्सपर्टीज है, जैसे कि मैंने बताया अन अकेडमी पे अभी पाथफाइंडर्स अकेडमी पे 121 प्लस ऑलरेडी सिलेक्शंस हो चुके हैं 2018 में CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में, और पेड अभी ऑलरेडी 5000 प्लस मेरे पास पेड स्टूडेंट है अन अकेडमी के ऊपर। अभी मेरे अकेडमी में पुणे में और दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है इसलिए ऑलरेडी सभी मेरे स्टूडेंट्स अन अकेडमी पे मेरे पेड कोर्सेज के लिए ज्वाइन हो चुके हैं। तो पेपर टू के लिए मैं बताता हूँ कि स्कोर करने के लिए क्या चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहिए क्लैरिटी जो मैं आपको देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3 घंटे सफिशेंट नहीं है, अटेम्प्ट आपका पूरा का पूरा 200 का ही होना चाहिए, 150 का अटेम्प्ट करके आप एग्जाम क्रैक करने का प्लान तो करो ही मत। कंटेंट आपका सिर्फ गोबर नहीं चाहिए, कंटेंट क्वालिटी चाहिए आपको, बोरी भर के गोबर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए। प्रैक्टिस सेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है डेवलप होना थॉट प्रोसेस। मैं मेरे सेशंस में आपको सोचना सिखाता हूँ, लिखना आपको बचपन से आता है, क्या इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, गूगल में है, विकिपीडिया में है, आपके सभी बुक्स में है, फिर भी आपको लिखना नहीं आता, इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस एंड इट इज़ अप्रोच दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। टारगेट जो आपका रहना चाहिए पेपर वन में मिनिमम 130 प्लस टारगेट रहना चाहिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए 120 में भी आ सकते हो लेकिन ये इस ये वाले मार्क में नहीं आ सकते। सो आपका टारगेट रहना चाहिए 130 टू 150 और पेपर टू का टारगेट रहना चाहिए आपका 80 टू 90 मिनिमम, और इंटरव्यू का स्कोर रहना चाहिए आप 90 टू 100, तब जाके आप सिलेक्ट हो सकते हो। इस बार कट ऑफ कम जाएगा इसीलिए प्रिपेयर करो, कोई प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है, कंपटीशन बहुत कम है, एग्जाम टाइम पे होने का चांसेस ज़्यादा है, कंपटीशन लो है, इसीलिए इस बार रिस्क लो, कम रिस्क है, पढ़ाई करो डेडिकेटेडली, 3 महीना दे दो, 3 मंथ्स में यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, 1/10 भी कंपटीशन नहीं है, सो गिव योर बेस्ट और कट ऑफ कम होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। देन सेकंड फेज ऑफ द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, जैसे कि आप जानते हो सेकंड फेज इज PT फिजिकल एंड मेडिकल। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, आज मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दोगे आपको PT फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जनरली एग्जामिनेशन होने के बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद आपका 2 से 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है, उसके लगभग 2 महीने बाद मतलब लगभग आपका दिसंबर या जनवरी में PT फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा, तभी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर लिए जाएंगे और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होने से भी चल जाएगा, आप अंडरटेकिंग दे सकते हो, तभी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, हाइट वेट भी लिया जाएगा और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी लिया जाएगा। जो ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं
इसमें पीएटी सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जैसे गवर्नमेंट ने दिया है गैजेट में। फिजिकल स्टैंडर्ड्स है मेन के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए। सबसे पहले अंदर जाने के बाद आपका चेक किया जाएगा हाइट और वेट। वेट आपका कम ज़्यादा हुआ तो चलता है, लेकिन हाइट आपका वो 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। देर इज़ नो रिलैक्सेशन इन द हाइट, लेकिन आप 164.5 सेंटीमीटर हो, 164 हो, हाइट 1 सेंटीमीटर से बढ़ाया जा सकता है। सुबह आपका हाइट 1 से 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा रहता है, रात को कम रहता है। हाइट कम ज़्यादा किया जा सकता है, उसके कुछ टेक्निक्स है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आपको हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, उससे ज़्यादा हाइट रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए या हिली एरिया कैंडिडेट्स के लिए, कोई ट्राइब के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। चेस्ट आपका होना चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर अनएक्सपांडेड और 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। और विमेन के लिए चेस्ट एक्सपांशन एप्लीकेबल नहीं है, सो मिनिमम 81 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे डरने का जरूरत नहीं है, वो कैसे एक्सपांड करना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वेट आपका मिनिमम होना चाहिए 50 kg फॉर मेन कैंडिडेट्स और 46 kg फॉर विमेन कैंडिडेट्स। ये फिजिकल पीईटी फिजिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड क्लियर होने के बाद आपको पीईटी के लिए भेजा जाता है ग्राउंड पे। सबसे पहले लिया जाएगा आपका 100 मीटर्स रेस, मेन को वो क्वालिफाई करना है 16 सेकंड्स में और फीमेल को 18 सेकंड्स के लिए। 2 महीने का प्रैक्टिस उसके लिए सफिशियंट है। उसके बाद 800 मीटर्स रेस होगा, 400 मीटर रेस के आपको 2 राउंड मारने के लिए बोले जाएंगे। ये इसके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है 3 मिनट 45 सेकंड, 3 मिनट 45 सेकंड्स, बहुत ही इजी है, आराम से किया जा सकता है। और फीमेल्स के लिए क्राइटेरिया है 4 मिनट 45 सेकंड्स, ये भी आसान है, 2 महीने के प्रैक्टिस से आराम से हो सकता है। उसके बाद लॉन्ग जंप है मेल कैंडिडेट्स के लिए 3.5 मीटर्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर्स, और दोनों को तीन तीन चांसेस मिलेंगे। इसमें फाउल होने के चांसेस है, इसके लिए मैं अलग से दूसरा एक वीडियो लेके आऊँगा। शॉट पुट 4.5 मीटर्स, आपको एक गोला है मेटल का, वो फेंकना है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई फेल नहीं होता। जनरली लोग मैक्सिमम डिस्क्वालीफाई होते हैं लॉन्ग जंप में, इसलिए नहीं क्योंकि वो जंप मार नहीं पाते, इसीलिए क्योंकि उनको लॉन्ग जंप का टेक्निक पता नहीं रहता, इसीलिए वो गलतियाँ करते हैं और बहुत बार फाउल हो जाता है, इसीलिए लॉन्ग जंप में ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। लेकिन होने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपने वीडियो में कैसे लॉन्ग जंप करना है सब कुछ आपको बता दूंगा। उसके बाद जो आपका जो वेट होना चाहिए वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए। ये जो आपका नोटिफिकेशन आएगा इसमें एक अपेंडिक्स जोड़ा हुआ रहेगा, अपेंडिक्स 2 ब्रैकेट B। तो ये जो चार्ट है अभी ये मैं क्लासेस में दिखा नहीं पाऊंगा, ये चार्ट आप देख लो नोटिफिकेशन में, उसमें आपका वेट उसके हिसाब से आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए। फिर जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि मेरा आई साइट है, आई साइट आपको चश्मा अलाउड है, आई साइट में जो देखा जाता है बेटर आई करेक्टेड विजन। सो जो आपका बेटर आई और करेक्टेड विजन है, करेक्टेड विजन मतलब मेरी तरह चश्मा पहनने के बाद वाला विजन आपका होना चाहिए 6x6 या फिर 6x9, 6x6 और या फिर 6x9। दो आंखें कंसिडर किए, दो आंखों में से एक अच्छा होगा एक बुरा होगा। सो ये कंसिडर करते हुए जो तुम्हारी आंख अच्छी है, चश्मा पहनने के बाद 6x6 होना चाहिए या फिर 6x9 होने से भी चल जाएगा। और वर्स आई का, अगर एक आंख का 6x6 है दूसरी आंख का 6x9 चलेगा, और अगर आपका एक आंख का 6x9 है दूसरे आंख का 6x9 ही चलेगा, वो 6x12 नहीं चलेगा। लेकिन ये सब कब? चश्मा पहनने के बाद। और चश्मे का नंबर आपका अलाउड है +4 to -4, इसलिए डरने का जरूरत नहीं है, +4 to -4 चश्मा आपको अलाउड है। नियर विजन आपका N6 अच्छा आग का और खराब आग का N9 चलेगा चश्मा पहनने के बाद। लैसिक सर्जरी अलाउड है, लैसिक सर्जरी अलाउड है, लेकिन लैसिक सर्जरी कम से कम 6 महीना पहले की जाई हुई होनी चाहिए। और कलर परसेप्शन, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो CP3 होना चाहिए, इशिहारा के जो प्लेट्स है उसके हिसाब से CP3 कलर परसेप्शन 3 होना चाहिए। 2 नॉर्मल रहता है, 3 लिटिल बिट फॉल्टी कलर परसेप्शन चल जाएगा, लेकिन कलर परसेप्शन 4 5 नहीं चलेगा, वो कलर ब्लाइंडनेस माना जाता है, मेजर कलर ब्लाइंडनेस, वो नहीं चलता आपको। लेकिन ये कलर परसेप्शन पता नहीं चलता, इसीलिए आप आंखों के डॉक्टर को दिखा लो कोई भी दिक्कत है तो। लैसिक सर्जरी
आपका अलाउड है प्री लैसिक एरर आपका 6 डायोप्टरिक पावर से कम रहना चाहिए, मतलब प्लस सिक्स और माइनस सिक्स के बीच में नंबर रहने से आपने लैसिक सर्जरी किया हुआ चलेगा। और लैसिक सर्जरी के बाद भी चश्मा हुआ पहना पहना है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनका एक क्राइटेरिया है, लैसिक सर्जरी जो है 6 महीने पहले कम से कम किया जाना चाहिए। अगर करवाना चाहते हो तो अभी करा लो। कैरिंग एंगल के बारे में जो डाउट है, बहुत लोगों को लगता है कि कैरिंग एंगल मतलब ये जो आपका हाथ रहता है, ये हाथ का जो आप अपर आर्म है और लोअर आर्म है ये दोनों के बीच में एक एंगल रहता है, उसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। इट शुड नॉट बी मोर देन 15 डिग्री फॉर मेल एंड शुड नॉट बी मोर देन 20 डिग्री फॉर फीमेल। लेकिन कैरिंग एंगल के लिए आज तक किसी को भी बाहर नहीं निकाला यूपीएससी ने। इसके बारे में मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ईयर के बारे में आपको कोई भी डेफनेस नहीं होना चाहिए, कान में आपको कम सुनाई दे रहा है या कान में से परसिस्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका कान का सर्जरी हुआ है, कान में वैक्स है, ये सब चीज़ें चल जाती है, ट्रीटमेंट करने के बाद सब कुछ अलाउड है। ऑल दीज आर टेम्पररी रिजेक्शंस। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी अदर कंडीशन, कंजेनाइटल वगैरह वगैरह ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ आपको दिक्कत आता भी है तो टेम्पररी रिजेक्शन है, आपने वो चीज़ को ट्रीट करने के बाद अलाउ कर देंगे। ये इसका जो मेडिकल है CDS की तरह, एफकेट की तरह इतना स्ट्रिंजेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। यहाँ पर टेम्पररी रिजेक्शन ज़्यादा होता है, परमानेंट रिजेक्शन कम होता है। नाक में जो है DNS डेविएटेड नाजल सेप्टम जो है, ये डेविएटेड नाजल सेप्टम नहीं होना चाहिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट होने से चल जाएगा, माइल्ड होने से चल जाएगा। एट्रोफिक राइनाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस वगैरह नहीं चलेगा। क्रोनिक साइनोसाइटिस उनको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा तो बताने का जरूरत नहीं है। नेक में कोई भी लिम्फ नोड्स, थायरॉयड वगैरह स्वेलिंग नहीं होना चाहिए और नेक आपका पूरा मूवमेंट करना आना चाहिए तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। टीथ में आपके पास सफिशियंट टीथ होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी डेंटल पॉइंट वगैरह का क्राइटेरिया नहीं है। सफिशियंट टीथ मतलब आप चबा सकते हो इतने ही टीथ, और कोई भी यूपीएससी ने मतलब CAPF के लिए क्राइटेरिया नहीं रखा। कैंड और उनके जो दांत है, अगर दांत सड़े हुए हैं चल जाएगा, दांतों में सड़न है चल जाएगा, दांत गिरा हुआ है, दांत नहीं है तो भी चल जाएगा, दांतों में कैप लगा हुआ है तो भी चल जाएगा, रूट कैनाल किया हुआ है तभी चल जाएगा। लेकिन दांतों का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीटमेंट करवा लो, ट्रीटमेंट करवाने से आपको अलाउ कर देंगे, कोई भी परमानेंटली रिजेक्ट नहीं करेगा। वेनरल डिसीज मतलब आपके प्राइवेट ऑर्गन्स के ऊपर कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। क्रोनिक स्किन डिसीज जो आपके स्किन के ऊपर लेप्रसी या फिर डर्माटाइटिस या ऐसे क्रोनिक डिसीज नहीं होना चाहिए, सोराइसिस वगैरह, लेकिन इसका ट्रीटमेंट चल रहा है ये कम हो गया तो उनको समझ में नहीं आएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। जनरल स्टैंडर्ड स्पीच आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टैमरिंग चलता है। कोई क्रोनिक डिसीजेज जैसे TB या फिर आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट डिसीज ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप रनिंग कर सकते हो तो ब्रोंकियल अस्थमा उधर टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होगा, डायबिटीज डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर भी अगर आप ट्रीटमेंट पहले से ही ले रहे हो तो उधर टेस्ट में शायद डिटेक्ट नहीं होगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव परसेप्टिबल एंड विजिबल ग्लैंडुलर सेलिंग, कहीं पे भी बॉडी पे बड़ा अलग से स्वेलिंग नहीं होना चाहिए कैंसर वेंसर की तरह। और चेस्ट जो है आपका नॉर्मल रहना चाहिए, फ्लैट चेस्ट, पिजन चेस्ट या रिकेटी रोजरी रिकेट्स की तरह नहीं होना चाहिए। हार्ट और लंग्स अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है, आपको लगता है कि मेरा चेस्ट एबनॉर्मल है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, वो बता देंगे। लिम्स और हैंड्स एंड फीट शुड बी वेल फॉर्म्ड, सभी के सभी उंगलियाँ होनी चाहिए, सभी के सभी उंगलियाँ नॉर्मल होनी चाहिए और सभी जॉइंट्स में परफेक्ट मोशन होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले फ्रैक्चर होने से चल जाएगा, लेकिन फ्रैक्चर अच्छे से ट्रीटमेंट अगर हो गया है उसका तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट एक बार क्लियरली हो गया और फ्रैक्चर में खोने के बाद भी आपका कहीं पे भी कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, फंक्शनल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्रैक्चर चल जाएगा, वो कोई रिजेक्शन नहीं है। आपके फीट और टोज अच्छे से फॉर्म होने चाहिए, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, अक्यूट और क्रोनिक डिसीज का कुछ पुराना वाला नहीं होना चाहिए, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक के कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए डिसीज, लेकिन कुछ कुछ इन्फेक्शन या डिसीज रहते हैं जैसे इनग्वाइनल स्वेलिंग है, स्क्रॉटल स्वेलिंग है, प्राइवेट पार्ट्स पे स्वेलिंग है या फिर हर्निया है या फिर कभी कभी गायनेकोमस्टिया रहता है किसी किसी गाइज के
जो चेस्ट रहती है वो ब्रेस्ट की तरह डेवलप हुई रहती है, इसका ट्रीटमेंट करवाने से आपको परमानेंट रिजेक्शन नहीं मिलेगा, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। आपको नॉक नीज, फ्लैट फुट और वेरिकोज वेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको नॉक नीज पता नहीं है क्या रहता है, बहुत सारे कोई भी टेढ़े मेढ़े यूट्यूब के वीडियो देखते हो आप और आपको लगता है कि आपको नॉक नीज है, घुटने एक दूसरे से चिपकने से नॉकनी नहीं होता है, ना ही फ्लैट फुट होता है। इसके बारे में अभी मैं इमेज करके दिखा के बताता हूँ। आप मेंटल और फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, ये है आपके नॉकनीज के लिए मैंने बनाया हुआ, जो ऊपर आप देख सकते हो, दिस इज नॉर्मल। सो ये अगर आपके काफ टच हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है, घुटने नहीं टच हो रहे, थोड़ा सा गैप है तो भी ये नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल है कि अगर आपके घुटने थोड़े से टच हो रहे हैं, ये भी नॉर्मल ही है। लेकिन नॉकनी तभी बोला जाता है, इसको जेन्यू वलगम बोलते हैं, जब आपके घुटने टच हो रहे हैं लेकिन आपके टोज बिल्कुल टच नहीं हो रहे। ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, इसको मैटर करता है। सो अगर आपके टोज टच हो रहे हैं और घुटने टच हो रहे, चलेगा। लेकिन आपके घुटने टच होने के बाद टो टच नहीं हो रहे, तो आपको नॉकनी हो सकता है, लेकिन ये आपको पता नहीं है। इसीलिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाओ, वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा आपको नॉकनी है कि नहीं। अननेसेसरी अपने आप को रिजेक्ट मत करो, नॉकनी से जनरली कोई भी रिजेक्ट नहीं होते हैं। इसका मेडिकल सीडीएस की तरह, आर्मी की तरह इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और जो बो लेक्ट है ये अलाउड है, अगर आपके जो हील्स है, पैर है, एक दूसरे को टच हो रहा है, नी के बीच में गैप आ रहा है तो भी चलेगा, ये भी अलाउड है। सिर्फ ये चीज़ अलाउड नहीं है, बाकी सब कुछ अलाउड है और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। सो आप जिसको नॉकनी समझते हो, दिस इज नॉट नॉकनी, दिस इज नॉट नॉकनी, ओनली दिस इज नॉकनी। और नॉकनी का मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ और ज्यादा, दिस इज नॉकनी, ये घुटने टच हो रहे हैं और पैर के बीच में गैप देखो, इसको नॉकनी बोला जाता है। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, बाकी जो लोग ने वीडियो बनाए हैं नॉकनी आपको बताने के बारे में, उनका क्वालिफिकेशन एक दूसरे को पूछो, तब आपको पता चल जाएगा कि उनको, दे आर नॉट प्रोफेशनल, कुछ भी बोलते हैं नॉकनी के बारे में, उनको कुछ भी नहीं पता। दूसरा है जो कैरिंग एंगल है आपका हाथ में, कैरिंग एंगल के लिए अंडरस्टैंड इट, इतना सीरियसली टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कैरिंग एंगल में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, कैरिंग एंगल नॉर्मली जो रहता है ये कैरिंग एंगल है, ये एंगल को बोलते हैं कैरिंग एंगल। तो ये जो ज़्यादा कैरिंग एंगल हो गया, इसको बोलते क्यूबिटस वल्गस, ये कैरिंग एंगल ज़्यादा हो गया। ये कैरिंग एंगल मेल के लिए अलाउड है 15 डिग्रीज तक, मेल्स के लिए अलाउड है 15 डिग्रीज तक, और फीमेल्स के लिए अलाउड है 20 डिग्री तक। लेकिन इसके लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, इसलिए आपको टेंशन लेने का इसमें जरूरत नहीं है। फ्लैट फुट जो है, जो आप समझते हो फ्लैट फुट मतलब आपके फुट के जो आर्चेस है ये ऐसे कर्व्ड रहना चाहिए, ये अगर नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ देखने से पता नहीं चलता, ये आप कई पैर गीला करके या मिट्टी में करके आप जब कहीं पे इसका इम्प्रिंट लोगे, तो जो फ्लैट फुट नहीं है, जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल फुट का जो इम्प्रेशन रहता है ये अंदर ऐसे घुस जाता है और ये कर्व आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लैट फुट है तो यहाँ पे ये जो आर्च है ये डेवलप नहीं रहती है, इसलिए ये ऐसा कर्व नहीं आता, जो नॉर्मली ऐसा कर्व आना चाहिए नहीं आता, आपका होलसम फुल पैर आना शुरू हो जाता है, इसको फ्लैट फुट बोलते हैं। लेकिन इसकी रेंज है, अंडरस्टैंड इट, आपको ये चीज़ें पता नहीं रहता, इसलिए अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत करो, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाओ। बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में दिखाया तो भी चलेगा, वो 2 मिनट में बता देगा फ्लैट फुट है कि नहीं, और वो जो बोलता है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन का तैयारी कर सकते हो। फ्लैट फुट में आप देख रहे हो, जो पैर का इम्प्रेशन है ऐसे दिखता है, ये फ्लैट फुट है। नॉर्मल फुट है, ये पैर का इम्प्रेशन ऐसे दिखता है। हॉलो फुट, हाई आर्च, ये सब चलता है, इसका कोई टेंशन नहीं लेता, ठीक है ना। ये नॉर्मल फुट है, ऐसा वाला इंप्रेशन आता है, फ्लैट फुट का ऐसा बिल्कुल ऐसा आता है ऐसा नहीं है, इसमें से रेंज है, अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत करो। आपको टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ऊपर, लेकिन वहाँ पे काम करने के प्रोसेस से आपका कम हो जाएगा, इतना कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और हार्ट रेट आपका कम भी नहीं होना चाहिए, 50 से कम, इसलिए उसका भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको कोई हर्निया वर्निया, हीमोराइड्स मतलब पाइल्स है,
या फिर प्रोलैप्स रेक्टम है, पिनाडल साइनस है, ये रहने से नहीं चलेगा, बट ऑल दीज आर टेम्पररी रिजेक्शंस, एवरीथिंग इज टेम्पररी रिजेक्शन, नो परमानेंट रिजेक्शन। ट्रीटमेंट कराने से, हाइड्रोसीलर ट्रीटमेंट कराने से सब कुछ चल जाएगा। टैटू का जो क्लॉज है, तो टैटू आपके राइट हैंड पे, टैटू जो है अलाउड है, लेकिन टैटू छोटा होना चाहिए, लेकिन आपका ये सैल्यूटिंग हैंड है, राइट हैंड के ऊपर, आपको फोर आर्म के ऊपर कोई भी टैटू नहीं चलेगा। वो टैटू आपको रिमूव करवाना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट आपका टैटू रिमूव करवा देंगे। लेफ्ट हैंड पे टैटू चल जाएगा, लेकिन छोटा होना चाहिए, बॉडी टैटू भी चल जाएगा, वो छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, जो एरिया है उससे वो टैटू छोटा होना चाहिए, लेकिन राइट हैंड पे टैटू नहीं चलेगा। जो वेट है उसके लिए जो टेबल दिया है उसको फॉलो करो यूपीएससी ने, और ऑन एन एवरेज 0.71 kg एक हर एक सेंटीमीटर के लिए आपका ये रहना चाहिए, 0.71 kg फॉर एवरी सेंटीमीटर्स, आपका हाइट ये कम होना चाहिए, पर केजी होना चाहिए पर सेंटीमीटर, ठीक है। अन अकेडमी पे हम लोग ने जो बैच शुरू करने जा रहे हैं, और जो अभी शुरू किया है, अभी रिसेंटली 4 दिन हो गए बैच स्टार्ट होके, गोल सीएपीपीएससी 2020, ये 90 डेज का कोर्स है, ये 3 मंथ्स में आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन करवाएगा। आप चाहिए तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कंपटीशन इज वेरी लो, सो आपका चांस बहुत ही हाई है, बिकॉज यू आर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। मेरे लास्ट ईयर नेवर फॉरगेट दैट 121 कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड, सो आई एम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाइड इन व्हेन इट कम्स टू सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो अन अकेडमी के ऊपर लाइव कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ये ऑनलाइन कोर्स है, आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। इसके लिए अन अकेडमी के ऊपर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, पेड वाले कोर्सेज करना चाहते हो, सो यू कैन यूज माई कूपन कोड प्रशांत YT10, जो ग्रीन में लिखा हुआ है प्रशांत YT10, ये रेफरल कोड यूज करने से आपको अन अकेडमी के कोई भी कोर्स के ऊपर 10% ऑफ हो जाएगा। ये कोर्स जो है, ये कोर्स में पूरा का पूरा पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटी साइंस इंग्लिश ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मैथ्स हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाएगा। असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम मेरे साथ पढ़ाएंगी, वो पॉलिटी पढ़ाएंगी, वो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थी, मेरी बैचमेट थी। विनय इंग्ले सर बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे, बाकी सभी के सभी एजुकेटर्स या टीचर्स है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, और ये कंप्लीट कोर्स है। ये कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का टेस्ट सीरीज मिलेगा ऑनलाइन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके मिलेंगे, हर एक टीचर के साथ बात करने का मौका मिलेगा, ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगा, आपके टेस्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग भी होगा, बहुत अच्छा एनालिसिस भी मिलेगा, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे। ये कोर्स में कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है, लाइव डाउट सेशंस है, सीएपीएफ मॉक के पेपर्स है, क्विजेस है, टेस्ट सीरीज है, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है, और रियल टाइम इंटरेक्शन है और स्ट्रैटेजी है। ये कोर्स सिर्फ फॉलो करने से भी यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, या फिर आप अपने आप भी प्रिपरेशन करके ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो अगर आपके पास क्लियर गाइडेंस है तो। अगर आपको पेड कोर्स नहीं करना तो जो फ्री क्रैश कोर्स है, ये जो मैं आपका वीडियो ले रहा हूँ इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं फ्री क्रैश कोर्स के लिंक्स, अन अकेडमी के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके साथ साथ यूट्यूब पे जो मेरा अभी चल रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें मैंने मेरे लास्ट ईयर के जो सेशंस है वो आपको आपके लिए फ्री अवेलेबल करके रख दिए हैं, वो भी कैसे एक्सेस करना है वो भी बताऊंगा। और अन अकेडमी के ऊपर मेरा फ्री ऑनलाइन लाइव कोर्स भी चल रहा है, पेड भी चल रहा है, पेड के लिए 5000+ मेंबर्स है, फ्री वाला कोर्स भी चल रहा है, उसका लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ्री कोर्स है, आप अन अकेडमी एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो फ्री है, ये लिंक के ऊपर क्लासेस के ऊपर क्लिक करो, वो क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो कोर्सेस है, सभी के सभी जो फ्री भी कोर्सेस है, इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, पेपर 2 के ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट प्रेसी ग्रामर और सभी के सभी डाउट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में, या एग्जाम के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉल मी ऑन 9867321800, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, सभी ग्रुप्स के ऊपर लगभग अभी 5000+
स्टूडेंट्स ज्वाइन है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, 20,000 प्लस स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी 5,000 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन है, जहाँ पे मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड करता हूँ, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। आपको अगर ज्वाइन होना है तो 9867321800 पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं वहाँ पे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। फ्री बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप लेना है या अनअकैडमी.com के ऊपर जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो कीजिए, और अनअकैडमी के ऊपर जगता प्रशांत जगन्नाथ मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो 9867321800 के ऊपर आप कॉल कर दीजिए। मेरे अभी जो ऑफलाइन सेशंस है पुणे और दिल्ली में, जैसे ही कोरोना वायरस का रुक जाएगा थोड़ा, तो स्पेशल सेशंस क्रैश कोर्स पुणे और दिल्ली में भी शुरू हो जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको अनअकैडमी में CDSFCAT CAPF में पेड कोर्स लेना पड़ेगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्रशांत YT10 ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है, उसमें जाके आपको 3 महीने का कोर्स ज्वाइन करना है, तो 3 मंथ सिलेक्ट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन करना है, और प्रशांत YT10 ये रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद जो 4,000 रुपीज़ का कोर्स है आपको 3,600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज सब कुछ है। दिस इज द रेफरल कोड और कूपन कोड, यू कैन यूज इट टू परचेज एनी ऑफ द कोर्स ऑन अनअकैडमी, इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। सो गाइस, स्टडी हार्ड पार्टी हार्डर, आई होप यू विल अर्न व्हाट इट नीड्स टू बी एन ऑफिसर। आप ये सब कुछ कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, और 3 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। कंपटीशन कम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छा काम करो, आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सो ये जैसे कि मैंने बताया, अनअकैडमी ये जो यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब का चैनल है CAPF Pathfinders, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये CAPF Pathfinders मेरा यूट्यूब चैनल है। ये YouTube चैनल में जाके ये कोर्सेस मैंने आपके लिए फ्री अवेलेबल करके रख दिए हैं। इसमें आपको CAPF Pathfinders सर्च करना है गूगल में, और CAPF Pathfinders YouTube में जाने के सर्च करने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे जो आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे से बात करना है, अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सिलेक्टेड मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करना है तो CAPF इंटरव्यू स्ट्रेटेजी में जाके बात कर सकते हो। टॉपर्स का डिस्कशन सुनना है तो उनसे बात कर सकते हो, और फ्री CAPF Paper 2 ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है। इसमें 13 सेशंस है, आज ही मैंने इसको अपलोड कर दिया है, आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो चैनल के थ्रू आप ये देख रहे हो यही पे है, ठीक है। और अनअकैडमी पे आपको कुछ भी करना है तो आपको अनअकैडमी ये वेबसाइट पे जाना है। अनअकैडमी.com पे जाने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो, अनअकैडमी जाने के बाद आपको CDSFCAT CAPF में आपको जो बैचेस है वो आप इसको परचेस कर सकते हो। जगता प्रशांत जगन्नाथ ये मेरा प्रोफाइल है, जैसे कि आप देख सकते हो, आई एम थर्ड बेस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, और मेरे कोर्सेज के लिए ऑलरेडी 7,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 7K फॉलोअर्स, और 315 लोगों ने मुझे लाइक किया है पिछले 4 महीने में, और मेरा जो कोर्स है 30 लाख मिनट तक ऑलरेडी देखा जा चुका है। मेरे अनअकैडमी पे ऑलरेडी 5,000 प्लस सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं। अनअकैडमी पे मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, अर्न योर रिस्पेक्ट, अर्न योर ऑनर, अर्न योर डिग्निटी, अर्न योर पोस्ट, एंड स्टार्ट लिविंग लाइफ लेस ऑर्डिनरी बाय बिकमिंग एन असिस्टेंट कमांडेंट इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। दिस इज द लाइफ इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। देख सकते हो, टशन, पैशन, सब कुछ मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्टडी हार्ड, पार्टी हार्डर। जय हिंद।